दलील कुत्ते, तुम्हारे दिन अब पूरे हो गए। दिल मिलाओ नहीं, बैंक हम लोग लूटेंगे। इसने सोचने को रखा है क्या है? मैं बता देता हूँ, उम्र कैद, हम सबके लिए उम्र कैद। वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। अमिताभ बच्चन पुराने दौर में लंबू के नाम से मशहूर थे, लेकिन आज उनका कद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्हें हिंदी सिनेमा का महानायक कहा जाता है। हालांकि बता दें, इस महानायक ने करियर के अपने शुरुआती दौर में कई ऐसी फिल्में की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 27 जुलाई 1973 को रिलीज फिल्म गहरी चाल की, जिसमें जितेंद्र हेमा मालिनी मेन हीरो व हीरोइन थे, वहीं अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग रोल में, वो भी ग्रे शेड में थे। इसके अलावा फिल्म में प्रेम चोपड़ा व बिंदु समेत कई और छोटे बड़े कलाकार भी अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन बता दें, एक्शन क्राइम थ्रिल से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और फ्लॉप हो गई थी। करियर की शुरुआत में अमिताभ बच्चन पर निर्माताओं का कम इंटरेस्ट था, क्योंकि अमिताभ की बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी एक हीरो की नहीं थी। हद से ज्यादा लंबे और ऊपर से कम वेट के चलते अक्सर निर्माताओं ने अवॉइड कर दिया करते थे, इसलिए अमिताभ बजाय सोलो हीरो के डबल हीरो वाली फिल्में करने को मजबूर थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र अमिताभ के मुकाबले बड़े स्टार थे और अकेले दम पर फिल्म हिट कराने का मादा रखते थे। यहाँ तक कि अमिताभ के मुकाबले हेमा भी बड़ी हीरोइन थी, और 1972 में आई फिल्म सीता और गीता के बाद तो हेमा बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में भी शुमार हो गई थी। इसलिए तमिल फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर सी वी श्रीधरन ने फिल्म गहरी चाल में जितेंद्र और हेमा को बतौर मेन हीरो एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किया, वहीं अमिताभ को स्पोर्टिंग रोल में, वो भी ग्रे शेड में पेश किया। सागर, मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सबूत देना पड़ेगा। तुम एक स्मगलर हो। नहीं, मैं साबित कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल। वैसे जितेंद्र से जुड़ी एक जानकारी ये भी देते चले कि जितेंद्र अपने करियर की शुरुआत से ही साउथ मेकर्स के चहेते रहे हैं, इसलिए 60 का दशक हो या 70 का या हो 80 का, जितेंद्र ने हर दशक में साउथ मेकर्स की फिल्मों में काम किया है। और 80 के दशक में तो जितेंद्र एक तरफा साउथ मेकर्स की फिल्में करना पसंद करते थे, जो साउथ फिल्मों का ही रीमेक भी होती थी और अच्छी खासी कमाई भी करके देती थी। सी वी श्रीधर ने देविका, जयललिता और रविचंद्रन को अपनी फिल्मों में रोल देकर बड़ी हीरोइन बनाया था, इसलिए हेमा भी करियर की शुरुआत में यानी 60 के दशक में एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने उनके पास गई थी, लेकिन कम उम्र के चलते हेमा को श्रीधर ने रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद राज कपूर की जब हेमा पर नजर पड़ी तो उन्होंने हेमा को 1968 में आई फिल्म सपनों का सौदागर में अपने अपोजिट रोल दिला दिया, इसलिए एक चांस मिलने की देरी थी कि देखते ही देखते हेमा बॉलीवुड के बड़े स्टार की फेवरेट हीरोइन बन गई। और 1972 में आई फिल्म सीता और गीता से तो हेमा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छा गई और उनका स्टारडम कई एक्टरों से भी ज्यादा हो गया। बता दे, सीता और गीता फिल्म ने हेमा के करियर को न केवल बुलंदियों पर चढ़ाया, बल्कि दिसंबर 1972 में श्रीधर जब अपनी फिल्म गहरी चाल का क्लाइमैक्स फिल्माने वाले थे, उसी दौरान नवंबर महीने में सीता और गीता फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें हेमा का डबल रोल था और क्लाइमैक्स में वे गुंडों से फाइट करती भी नजर आई थी। इसलिए श्रीधर ने भी गहरी चाल में कुछ ऐसा ही करने का प्लान बनाया और हेमा का क्लाइमैक्स में फाइट सीन फिल्माया। अब सी वी श्रीधर के बारे में थोड़ा बता दें कि उन्होंने साउथ सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन हिंदी फिल्में कमाई के लिहाज से ज्यादा सफल नहीं हो पाई। हालांकि 60 के दशक में जरूर उन्होंने राज कपूर, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और शशि कपूर के साथ फिल्में बनाई, लेकिन इसके बाद वाली उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र महानायक अमिताभ बच्चन के सीनियर माने जाते हैं, क्योंकि जितेंद्र ने अमिताभ से कई साल पहले फिल्मों में काम करना शुरू किया था। बता दें, जितेंद्र ने जहां 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों से बतौर एक्टर डेब्यू किया, वहीं अमिताभ की बतौर एक्टर डेब्यू फिल्म साथ हिंदुस्तानी 1969 में रिलीज हुई थी, यानी अमिताभ ने जब डेब्यू किया तब जितेंद्र बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा चुके थे। इसके अलावा फिल्म गहरी चाल के दौरान भी जितेंद्र अमिताभ के मुकाबले बड़े स्टार थे, और इसी वजह से श्रीधर ने गहरी चाल में जितेंद्र को मेन हीरो और अमिताभ को स्पोर्टिंग रोल में कास्ट किया था। मेरे भैया दोस्ती के नाम पर जान देना जानते हैं, जान लेना नहीं, पर शक करने वाले के दिल में खुद पाप हो सकता है। अब सवाल ये है कि अमिताभ ग्रे शेड रोल निभाने को क्यों तैयार हुए? तो बता देगी, अमिताभ ने इससे पहले 1971 में आई फिल्म परवाना में भी इसी तरह एंटी हीरो रोल निभाया था, और इसी वजह से निभाया क्योंकि अमिताभ का करियर तब कुछ खास नहीं चल रहा था।
उनके पास करने को फिल्में भी नहीं थी, इसलिए जो भी निर्माता ऑफर लेकर आता वे करने को तैयार हो जाते थे। इसके अलावा एक बात यह भी सच है कि गैरी चाल की मेकिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के पास करियर बनाने वाली फिल्म जंजीर का ऑफर आया था, क्योंकि दरअसल अमिताभ एक दिन मुंबई के राजकमल स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे और तभी राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर उनके पास प्रकाश मेहरा को लेकर आए थे और उन्हें जंजीर फिल्म दिलाई थी। लेकिन फिर इसके बाद कुछ हुआ ऐसा कि कुछ वजहों से गैरी चाल थोड़ा डिले हो गई और जंजीर कोई ढाई महीने पहले रिलीज हो गई। और जंजीर रिलीज होते ही क्या हुआ ये तो आप सभी को पता ही होगा। अमिताभ जहां इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुके थे रातों रात बड़े स्टार बन गए और उनके घर के बाहर निर्माताओं की लाइनें लग गई। हालांकि अब ये तो जंजीर के बाद की कहानी है, थोड़ा पहले की कहानी भी जान लेते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ गैरी चाल में क्या हुआ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि फिल्म गैरी चाल का जब एलपी रिकॉर्ड लॉन्च हुआ तो उसके फ्रंट कवर पर जितेंद्र और हेमा की फोटो थी, जबकि अमिताभ की फोटो पूरी तरह गायब थी। अब खबरों की माने तो एलपी रिकॉर्ड पर अमिताभ बच्चन की फोटो कुछ इस वजह से भी गायब थी क्योंकि अमिताभ अपने रोल से खुश नहीं थे, इसलिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीवी श्रीधर से मेकिंग के दौरान उनकी कहा सुनी हो गई थी, जिस वजह से श्रीधर ने गुस्से में आकर अमिताभ को एलपी रिकॉर्ड्स के फ्रंट कवर से गायब कर दिया। लेकिन अमिताभ जब जंजीर के बाद बड़े स्टार बन गए तो श्रीधर फिर मजबूर हो गए और गैरी चाल के पोस्टरों पर अमिताभ को जितेंद्र से ज्यादा हाईलाइट करना पड़ा। वैसे कहने को अमिताभ बेशक इस फिल्म में स्पोर्टिंग रोल में हैं, लेकिन अदाकारी के लिहाज से वे कहीं भी कमजोर नजर नहीं आते और कई सीन में तो वे जितेंद्र पर भी भारी पड़ते हैं। फिल्म गैरी चाल को दूरदर्शन पर 8 दिसंबर 1995 को पहली बार दिखाया गया था और इसके टेलीकास्ट से कोई हफ्ता भर पहले एक क्विज भी रखा गया था जिसमें सवाल पूछा गया था कि अमिताभ और जितेंद्र के साथ में आई फिल्म कौन सी है। अब इसका सीधा सा जवाब था गैरी चाल, क्योंकि अमिताभ और जितेंद्र की यही एक इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने साथ काम किया है। फिल्म गैरी चाल फ्लॉप होने के बावजूद डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीवी श्रीधर ने इसका 1975 में शिवाजी गणेश के साथ तमिल में भी रीमेक बनाया था, हालांकि वहां भी ये ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी। वहीं इसके बाद अनिल गांगुली ने भी आगे चलकर रीमेक तो नहीं लेकिन गैरी चाल टाइटल से जरूर अक्षय कुमार संग 1993 में एक फिल्म की घोषणा की थी, लेकिन फिर कुछ वजहों से फिल्म नहीं बन पाई और ठंडे बस्ते में चली गई, जिसके बाद गैरी चाल टाइटल से फिल्म रिलीज हुई साल 2006 में, जिसमें कृष्णा अभिषेक रवि किशन और रश्मि घोष जैसे सितारे नजर आए थे। लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, यानी गैरी चाल टाइटल एक तरह से बॉलीवुड फिल्मकारों के लिए अनलकी ही रहा है और जिसने भी इस टाइटल को छेड़ा उसे एक तरह से नुकसान ही उठाना पड़ा है। गैरी चाल जितेंद्र और हेमा के साथ में दूसरी फिल्म थी, पहली 1969 में आईवारिस थी, लेकिन गैरी चाल की मेकिंग के दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और बात शादी तक पहुंच गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि संजीव कुमार भी हेमा को पसंद करते थे, इसलिए वे जितेंद्र के जरिए हेमा को प्रपोज करने में मदद ले रहे थे, लेकिन संजीव का ये दाव उल्टा पड़ गया क्योंकि हेमा संजीव कुमार को रिजेक्ट कर जितेंद्र के साथ ही प्यार में पड़ गई थी और फिर बात शादी तक भी पहुंच गई थी। लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा होने नहीं दिया क्योंकि जितेंद्र उस टाइम शोभा को भी डेट कर रहे थे जो उनके बचपन की दोस्त थी, इसलिए शोभा को जब जितेंद्र हेमा की शादी वाली बात पता चली तो वे धर्मेंद्र के पास पहुंच गई, क्योंकि अब शोभा जितेंद्र से शादी करना चाहती थी और धर्मेंद्र हेमा से शादी करना चाहते थे, इसलिए धर्मेंद्र और शोभा ने जितेंद्र हेमा की शादी टालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एंड में शादी तुड़वा कर ही दम लिया। हिंदी सिनेमा में हम अक्सर ये देखते आए हैं कि कुछ हीरो हीरोइन किसी फिल्म में भाई बहन का रोल निभाते हैं, किसी में लवर का और किसी में तो माँ बेटे का रोल भी निभाते मिल जाएंगे, इसलिए बॉलीवुड की फेमस और हिट जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की गैरी चाल इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने भाई बहन का रोल निभाया है। इसके अलावा यहाँ ये भी बता दें कि फिल्म गैरी चाल अमिताभ बच्चन और हेमा के साथ में आई पहली फिल्म भी थी। पुराने दौर के एक्टरों की एक खास बात यह भी है कि उनकी आवाज़ में बड़ा दम होता था, इसलिए बगैर फिल्म को देखे सिर्फ आवाज़ सुनकर ही हम पहचान लेते हैं कि उस फलाने एक्टर की आवाज़ है। बस कुछ ऐसा ही हमें दिखाई का बल्कि कहेंगे सुनाई दिया है फिल्म गैरी चाल में, क्योंकि फिल्म के कई सीन में सस्पेंस के तौर पर सत्यन कपूर की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ है
और ऐसा ही कुछ अगले साल 1974 में बेनाम फिल्म में भी दिखाया गया है। हालांकि बेनाम फिल्म में कादर खान की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी इन दोनों फिल्मों में कुछ बातें कॉमन हैं, जिसमें पहला तो ये कि अमिताभ और प्रेम चोपड़ा इन दोनों फिल्मों में थे, और दूसरा ये कि प्रेम चोपड़ा विलन बनकर इन दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन को ही परेशान करते हैं। तुम भी इस कारनामे में शामिल हो, ये उसका सबूत है। इतनी जल्दी भूल गए? हाँ, मगर यानी कि इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर है? फिल्म गहरी चाल में संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गीत लिखने का काम किया है राजेंद्र कृष्ण ने, जिनके लिखे 6 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब इस फिल्म में कोई ज्यादा पॉपुलर गीत तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल गीत संगीत अच्छा ही कहा जाएगा, जिसमें लता मंगेशकर का गाया बड़ा प्यारा लागे तू, किशोर दास भोसले का गाया जयपुर की चोली और ए भाई तू कहां से आई सबसे पसंदीदा गीत है। मेरी बात सुनो रतन, जोश में मत आओ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं डायमंड स्मगलर नहीं हूँ। झूठ मत बोलो सागर। फाइनली फिल्म गहरी चाल में बेशक अमिताभ बच्चन ग्रे शेड में थे, उनके अपोजिट कोई हीरोइन नहीं थी और ना ही उन पर कोई गीत फिल्माया गया था, लेकिन अदाकारी के लिहाज से अमिताभ जितेंद्र प्रभारी थे, उनके हाव भाव भी जबरदस्त थे। इसके अलावा फिल्म में सस्पेंस भी खूब था, गीत संगीत भी ठीक ठाक था और एक्शन भी अच्छे थे। इसके अलावा कहानी भी इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन फिर भी फिल्म का इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना समझ से परे है, और वो भी तब जब अमिताभ बच्चन बतौर सोलो हीरो अपनी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर के जश्न में डूबे हुए थे, और वहीं जितेंद्र हेमा मालिनी भी सफलता के रथ पर सवार थे। सो गहरी चाल फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।